तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 27,000 नई शिक्षक भर्ती, इसी के साथ एलटी गेट की शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोनों की अपडेट को हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप यूपीटीईटी 2021 क्वालिफाई करना चाहते हैं और इस बार अगर आपने क्वालिफाई करने का ठान लिया है, तो आपके लिए आ चुकी है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तक, जिनके साथ साथ आप सभी पुराने पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इस पुस्तक में दिए गए हैं, जिससे कि आपका नया या पुराना कोई भी पैटर्न से पूछा जाएगा, बड़ी आसानी से आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इस पुस्तक के अंदर आप सभी को मिलता है डिटेल में आंसर, उत्तरमाला के साथ साथ व्याख्यात्मक भी आंसर दिए गए हैं, जिससे कि आप डिटेल के साथ में क्वेश्चन को तैयार करें, क्योंकि क्वेश्चन घुमाकर भी पूछे जाते हैं नए पैटर्न में। इतना ही नहीं, अगर आप सब्जेक्ट वाइज बुक लेना चाहते हैं तो आप सभी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी आप सभी को सब्जेक्ट वाइज पुस्तक देखने के लिए मिलेंगी, साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिनको भी आप सभी ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी क्लिक करें और परचेज करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षकों की अगर बात की जाए खाली पदों के बारे में, चाहे वो प्राथमिक की हो या फिर टीजीटी पीजीटी या फिर एलटी गेट या फिर जूनियर, लगभग सभी विभागों के अंदर हजारों की संख्या में पद खाली हैं और सबको जोड़ दिया जाए तो लाखों की संख्या में आपको देखने के लिए मिलते हैं। आगामी समय उत्तर प्रदेश में चुनावी समय है, सरकार की ओर से प्रयास भी किए जा रहे हैं कि कई भर्तियों को निकाल कर छात्रों का कहीं ना कहीं जो यहाँ पे बेनिफिट है वो आगामी समय के अंदर चुनाव में ले लिया जाए। अब मिलेगा कि नहीं, ये अलग मुद्दा है, हमारा जो मुद्दा है वो शिक्षक भर्ती या फिर अन्य भर्तियों के बारे में है। उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी समय के अंदर 27,000 नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती और इसके अलावा एलटी गेट को लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर इनके विज्ञापन कब से जारी किए जाएंगे और कब तक आने की जानकारी मिल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि हाल ही में जो टीईटी का विज्ञापन जारी किया गया है, तो क्या नई शिक्षा नीति के अनुसार 27,000 टीजीटी पीजीटी और एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए हमें टीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों के मन में सवाल इसलिए भी है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर ऐसे में नई भर्तियों में टीईटी वाले छात्रों को मौका मिलता है तो यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी नई भर्ती बैठना चाहेंगे वो टीईटी क्वालिफाई कर लें। आसान भाषा में आप सभी को बताना चाहूँगा, चाहे वो 27,000 की टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या फिर एलटी गेट की शिक्षक भर्ती, अगर ये दोनों नई शिक्षक भर्तियाँ आगामी समय में निकलती हैं तो इनके अंदर टीईटी लागू नहीं किया जाएगा। उसके पीछे की दो वजह हैं। पहला रीजन ये है कि पूरी की पूरी नियमावली के अंदर संशोधन किया जाएगा, उसके बाद में टीईटी आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले एनसीटीई की तरफ से जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसका कहना था कि चार तरीके के आपको जो टीईटी हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। एक आप सभी को प्री प्राइमरी मतलब कि नर्सरी के लिए, एक आप सभी ने देखा कि प्राथमिक के लिए, दूसरा जूनियर और तीसरा यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलना था, मतलब चौथा वाला जो कि आप सभी को मिलना था यहाँ पे इंटर कॉलेज के लिए या फिर हम कह सकते हैं 10+2 के लिए। फिलहाल अभी तक इस प्रकार के टीईटी का आयोजन आपको देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन आगामी समय के अंदर ऐसा किया जाएगा। तो जो टीजीटी पीजीटी की नई शिक्षक भर्ती आने वाली है उसके अंदर अभी टीईटी लागू नहीं होगा, ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। अगर ये वैकेंसी इसी साल तक आ जाती है तो चुनाव से पहले, अगर चुनाव के बाद जारी होगी तो उसके बाद में टीईटी होगा और टीईटी के बाद ये वैकेंसी आएगी। याद रखें, जिन छात्रों के मन में सवाल है कि एलटी गेट या फिर टीजीटी पीजीटी के लिए हमें टीईटी क्वालिफाई करने की आवश्यकता है, तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। आप बिना टीईटी के एलटी गेट साथ में नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर बैठ पाएंगे, इसके अलावा आप सभी को ज़्यादा जानने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है कि 27,000 की टीजीटी पीजीटी साथ में एलटी गेट की शिक्षक भर्ती कब आने वाली है। तो मैं आपको एक एक करके बता दूं, 27,000 टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन जारी किया जाएगा उसके लिए चयन बोर्ड की ओर से पहले पोर्टल को खोला जाएगा, जहां पर रिक्त पदों के अध्याचन मांगे जाएंगे और जैसे ही रिक्त पदों के अध्याचन मिलते हैं इसकी संशोधि के लिए शासन को भेजा जाएगा। शासन की मंजूरी मिलने के बाद में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। अब चयन बोर्ड की ओर से क्या किया जा रहा है, चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी 2021 के परिणाम तैयार किए जा रहे हैं। इसी वजह से ना तो अभी तक 27,000 को लेकर कोई पोर्टल खोला गया है, ना ही यहाँ पे जैसा चयन बोर्ड का कहना था कि 10 से 15 दिनों के अंदर वेबसाइट को खोलेंगे, अभी तक खोले जाने की जानकारी मिली है।
ऐसे में जब जानकारी लेने का प्रयास किया गया अधिकारियों से, तो उनका यहाँ पे कहना है कि चयन बोर्ड की ओर से पहली जो प्राथमिकता है वो ये है कि टीजीटी पीजीटी के तमाम परिणाम घोषित कर दिए जाएं, उसके बाद में इसके इंटरव्यू करा लिए जाएं। जैसे ही यहाँ से इंटरव्यू कंप्लीट होते हैं 31 अक्टूबर 2021 तक ये भर्ती पूरी होगी, उसके बाद में यहाँ से नई शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में कितने पद खाली हैं इसके बारे में जो ब्यौरा है वो मांगा जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर रिक्त पदों के अध्याचन मिलते हैं आगे की कार्यवाही के लिए शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। आसान भाषा में समझें तो 27,000 टीजीटी पीजीटी या फिर जितने पदों पर वैकेंसी आएगी इसको लेकर अभी तक शासन की ओर से या फिर अगर बात करें चयन बोर्ड की ओर से कार्य नहीं किया जा रहा है। उसके बीच में एक सबसे बड़ा जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट का है कि टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती को पूरा करवाना, इसी को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है। एक बार टीजीटी पीजीटी 2021 का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है उसके बाद में रिक्त पदों के अध्याचन मांगे जाएंगे और उसके आधार पर आगे की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। आसान भाषा में समझें तो 27,000 टीजीटी पीजीटी को लेकर अक्टूबर में विज्ञापन आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसी आपको जानकारियां मिलती रहती है लेकिन वो पूरे तरीके से फेक है। इसका नोटिफिकेशन तभी जारी होगा जब रिक्त पदों का अध्याचन मिलेगा। अभी रिक्त पदों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है, चाहे वो 27 हो या फिर 25, लेकिन 27 इसलिए बताया जाता है क्योंकि सीएम योगी की तरफ से चयन बोर्ड के चेयरमैन के साथ मीटिंग करते हुए जानकारी दी गई थी। तो फिलहाल ये बात हो जाती है 27,000 को लेकर। कब तक इसका विज्ञापन जारी हो सकता है? अगर चयन बोर्ड चाहे तो नवम्बर में इसका विज्ञापन जारी कर सकता है और उसके बाद में आपकी परीक्षा करवा लेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहें। एलटी गेट शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी आज से शुरू करनी चाहिए। नोटिफिकेशन का आप सभी इंतजार बिल्कुल ना करें क्योंकि इसका जो पैटर्न होगा वो काफ़ी ज़्यादा अप रहता है। पुराने पेपर्स को उठा करके आप सभी देखें या फिर उसका इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे जो पेपर का पैटर्न आया था और साथ में जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे, लगभग 4,00,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 10,000 सीटें पूरी नहीं भर पाईं, लगभग 60% के आसपास सीटें खाली चली गई थी। तो आपको प्रिपरेशन तो आज से शुरू कर देनी चाहिए। अब इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा तो यहाँ पे यूपीपीएससी से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि जो पुरानी एलटी गेट की शिक्षक भर्ती है उसके अंदर इंग्लिश साथ में कला के छात्रों का एक छोटा मोटा विवाद लगा हुआ है जिसकी वजह से अभी तक पूरे तरीके से जो पुरानी भर्ती उसकी फाइल क्लोज नहीं हुई है। ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जैसी पुरानी भर्ती की जो फाइल है वो क्लोज कर दी जाएगी उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती को लेकर प्रस्ताव यहाँ शासन को भेजा जाएगा और उसके बाद में आप सभी के सामने नई एलटी गेट की शिक्षक भर्ती आने की संभावना है। ऐसे में अगर आप सभी पूछना चाहते हैं कि कब तक नोटिफिकेशन जारी होगा तो इसके बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई तारीख की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हम कह सकते हैं कि नवंबर माह के अंदर एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी हो जाएगा जो कि टीजीटी पीजीटी 2021 मतलब कि नई भर्ती से पहले आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अधिकारियों के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर एलटी गेट की पुरानी भर्ती के छोटे मोटे 2-4 मामले लगे हुए हैं जो कि मामला न्यायालय में भी लंबित है। जैसे ही उनके मामले यहाँ से क्लियर होते हैं पुरानी भर्ती की फाइल को क्लोज करते हुए टोटल रिक्त पदों का जो अध्याचन है पहले से आयोग के पास आ चुका है, बस उसको लेकर आगे की कार्यवाही शुरू करनी होगी। अक्टूबर के अंदर ऐसा हो पाएगा कि नहीं अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिली है, इसी वजह से मैं आप सभी को कहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। इसकी वैकेंसी नवंबर तक आप सभी के सामने अवश्य देखने के लिए मिलेगी और ये श्योर है कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी से पहले एलटी गेट की नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा। इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि प्रिपरेशन आप सभी आज से शुरू कर दें, आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से कई भर्तियों के विज्ञापन हाल ही में जारी किए गए हैं तो ऐसे में उम्मीदें ज्यादा हैं कि जल्दी एलटी गेट को लेकर भी लोक सेवा आयोग की तरफ से कार्य किया जाएगा और जैसे ही कोई और जानकारी निकलेगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक साथ में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि आपको सबसे पहले जानकारियां मिलती रहें। अभी लोक सेवा आयोग की तरफ से कई अन्य भर्तियों को लेकर कार्य किया जा रहा है और कई भर्तियों के विज्ञापन आपने देखे हैं पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर जारी हुए हैं। जल्द आपको एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।